एक यूट्यूबर को रेल के पटरी पर पटाखा जलाना पड़ा मांगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वीडियो पर व्यू को बढ़ाने के लिए किया था ऐसा काम। ये बहुत ही गलत काम है दोस्तों कि आप रेलवे ट्रैक पर पटाखा जला रहे हैं दोस्तों, और बगल से गुजर रही थी मालगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, कहीं अगर मालगाड़ी में आग लग जाती तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होता। आपका व्यू बढ़ाने के चक्कर में ये गलत काम है दोस्तों, आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा दोस्तों। आपको बता दें यूट्यूबर ने डिलीट किया वीडियो, तो डिलीट करने से ये काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये आपने जो गलती की है बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है दोस्तों। आपको बता दें कि वीडियो जो है यूट्यूब पर डाला गया था दोस्तों, फुलेरा अजमेर रेलवे ट्रैक पर ये जो होता है वहाँ पर स्नेक पटाखा छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर ने स्नेक पटाखा जलाया था दोस्तों और धुआं धुआं करके वीडियो बनाया था दोस्तों, अपना व्यू बढ़ाने के लिए किया, लेकिन इंटेंशन इसका ख़राब था दोस्तों। किसी रेलवे ट्रैक पर या रेलवे का नुकसान करना ये दंडनीय अपराध है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम के जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं शशि किरण, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वीडियो वायरल हुए उस पर संज्ञान लिया और धारा 145 और धारा 147 के तहत FIR दर्ज कर लिया दोस्तों, और बहुत जल्द इस लड़के का गिरफ्तारी होगा और इसको जेल का हवा खाना पड़ेगा। आपको बता दें रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने पर बहुत बड़ा जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है दोस्तों रेलवे में। तो ये गलती कभी ना करें, अपने वीडियो को व्यू बढ़ाने के चक्कर में रेल को ही उड़ा दें दोस्तों। ये बहुत बड़ी गलत काम है दोस्तों, क्योंकि ये रेलवे के ट्रैक पर पटाखा जला रहे थे दोस्तों, कहीं गलती से माल गाड़ी में आग लग जाती, उसके बगल वाला पटरी पर माल गाड़ी आ रही थी दोस्तों। अगर आग लग जाती तो रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो जाता दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं आपसे हम अपील करते हैं, रेल से दूर रहें दोस्तों, और जो नियम है रेल में उसी का पालन करते हुए आप वीडियो बनाएं। कोई दिक्कत नहीं है रेलवे को, लेकिन अंदर रूल में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये लड़का रेलवे ट्रैक पर पटाखा जला रहा था, क्या ये सही कर रहा था दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।